मुबारक हो आपको, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और एक और नए दिन की शुरुआत हो गई, और दिन की शुरुआत में अभी हम जा रहे हैं कूड़ा फेंकने के लिए, क्योंकि कूड़ा काफ़ी ज़्यादा हो गया है। और मैंने सोचा कि चलो आज संडे है, तो संडे को थोड़ी सी वॉक भी कर लेते हैं, थोड़ा आगे तक जाएंगे वॉक करने के लिए भी, और कूड़ा भी फेंक कर आएंगे। वैसे तो आजकल मैं डेली वॉक करती हूँ, शॉप जाती हूँ आती हूँ, तो थोड़ा बहुत मतलब वॉक हो जाती है मेरी। लेकिन आज संडे है, तो संडे को मैंने सोचा कि चलो सुबह सुबह उतना ज़रूरी काम नहीं होता है कि करना ही है, थोड़ा बाद में कर लेंगे, इसलिए अभी चलते हैं फटाफट से मॉर्निंग वॉक के लिए। तो फ्रेंड्स अभी हम चल पड़े हैं कूड़ा फेंकने के लिए। फेंक लो इस बाल्टी में, हाँ डाल दो फेंकने के लिए। इसमें देखो अच्छे अच्छे फूल तो आ रहे हैं, पर उतने खिल नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या लग तो रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे पर उतने। चलो जी चलो। तो फ्रेंड्स अभी हम रोड में पहुंचे ही थे कि देखो सुबह सुबह ही सूर्य उदय हो गया है, सनराइज, ब्यूटीफुल व्यू है। और हम रोड में पहुंच गए हैं। रोड की हालत कुछ ऐसी, पानी ही पानी भरा हुआ है जगह जगह पर रोड में, क्योंकि कल इतनी ज़्यादा बारिश हुई ना कि जिसका कोई अंत नहीं है। इतनी बारिश हुई, बरसात में भी इतनी बारिश नहीं होती, और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाली बारिश हुई थी कल। तो हमें तो लग रहा था कि आज भी शायद बारिश वाला ही मौसम होगा, लेकिन आज सुबह सुबह तो धूप आ गई है। शाम का कोई भरोसा नहीं है कि शाम को क्या होने वाला है। कितने पत्थर गिरे हैं, बहुत ही रिस्की है, अभी तो घूमने भी नहीं आते हम, डर ही लगता है यहाँ पे। पानी पानी भरा है, और आज सतलुज नदी का नज़ारा दिखाते हैं आपको सुबह सुबह। ये देखो सतलुज नदी का पानी कितना मटमैला हो गया, क्योंकि कल इतनी बारिश हुई ना। बड़ा तो नहीं है, हल्का सा बड़ा है, लेकिन पानी बहुत गंदा है। और आज सुबह सुबह मुझे मिली है लक्ष्मी, ये देखो 20 रुपए का नोट। और मैंने सोचा कि उठाऊं कि नहीं उठाऊं, तो हस्बैंड ने पूरी कहानी सुना दी कि भगवान तुमको दे रहे हैं सामने सामने, और तुम उठा ही नहीं रहे, तो फिर इसलिए मैंने उठाई लिए। अब देखते हैं इन पैसों का मैं क्या करूंगी, क्या करूंगी, क्या करूंगी, क्या करूँ, दान करूँ ना, क्या करूँगी, दान करूँगी। भगवान जी ने सुबह सुबह ही मेरे को लक्ष्मी दे दी आज, वो जो पैसे नहीं, हाँ उन पैसों में रख दूंगी जो हमने रखे हैं, हाँ। किसी ज़रूरतमंद को देने के लिए उन पैसों में डाल, ठीक है जी, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। और सुबह सुबह हम थोड़ा सा आगे तक जा रहे हैं घूमने के लिए, और पीछे आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं, जहाँ से भी पत्थरों के गिरने का डर है, और कभी भी पत्थर गिर सकते हैं हमारे ऊपर। तो फ्रेंड्स थोड़ी देर यहाँ घूमने के बाद अब हम चल पड़े हैं वापस, थोड़ी सी पानी में नहीं जाऊँगी, बच के जाऊंगी बच के। तो सुबह सुबह काफ़ी ठंडा सा मौसम है, मैंने तो वॉर्म वॉर्म पहन रखा है, इन्होंने भी फुल स्लीव्स पहन रखा है, तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया है मौसम वैसे, और अच्छा भी है हमारे लिए, पर बागवानों के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि कल इतने ज़्यादा ओले पड़े हैं ना। एक वीडियो हस्बैंड ने सुबह मुझे दिखाई, तो मतलब बर्फ की तरह पूरे नारकंडा के साइड की जो एरिया है वहाँ पर, मतियाना और नारकंडा साइड पर, मतलब ऐसे लग रहा था जैसे बर्फ पड़ी हो, इतना ज़्यादा ज़्यादा ओला था रोड पे। तो बागवानों के लिए कहीं ना कहीं ये खतरे की घंटी है, और लेकिन हमारे लिए भी है, ये कुछ भी फ्रूट्स नहीं मिलेंगे खाने को, फिर हम कैसे जिएंगे, सबके लिए ही लॉस होता है। मतलब एक वो चक्कर चलता है ना ऐसे, कि अगर अच्छी फसल होगी तो मार्केटिंग अच्छी होगी, और मार्केटिंग अच्छी होगी लोगों के पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो फिर लोग मार्केट में घूमने आएंगे, घूमने आएंगे तो शॉपिंग करेंगे, और पैसा ही नहीं होगा तो फिर शॉपिंग नहीं होगी, तो पूरा सर्कल ऐसे ही चलता है। इसलिए लोगों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारे बगीचे नहीं है, हमारे को क्या फर्क पड़ता है, सबको फर्क पड़ता है भाई। तो फ्रेंड्स आज हमने सोचा था कि आज हम कहीं पे ट्रैकिंग करने के लिए जाएंगे संडे को, लेकिन मौसम भी थोड़ा सा ऐसा ख़राब है, मतलब गीला गीला होगा सब जगह पर, चलने के लिए थोड़ी दिक्कत होगी, फिसल वगैरह सकते हैं, फिसल भी सकते हैं, तो इसलिए हम लोग नहीं जा रहे हैं। और साथ ही साथ अनुराग के साइकिल टेस्ट भी शुरू है, तो कल उसका एग्ज़ाम है साइंस का,
ऐसे थोड़ा सा ही है पढ़ने के लिए, पढ़ तो लेगा। उसने तो बोल दिया था कि आप लोग चल जाना, मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन फिर भी हम भी नहीं जाएंगे। और फिर हमारे को थोड़े थोड़े और भी काम है आस पड़ोस में, तो इसलिए भी हम नहीं जाएंगे। रोड में चलना इतना मुश्किल होता है ना, ये देखो ऐसे गाड़ी है छींटे मार के चल जाती है। ये तो कोई समझदार ड्राइवर थे बेचारे, इन्होंने बहुत आराम से चलाई गाड़ी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते ना जानबूझ के छींटे मार देते, होते ना ऐसे। आप बताओ, आपने किया है कभी ऐसे अपनी जीवन में? आपने बहुत गाड़ी चलाई है, जानबूझ के किया है कभी? किसी लड़की को देख के किया होगा? किया है ना, सभी ने किया होगा ऐसे ऐसे, मतलब थोड़ी बहुत यंग अवस्था होती है ना, थोड़ा बहुत चल पड़ता है, पर इतना भी नहीं चलता कि वो गाय ने हमारे डस्टबिन फेंक दिए सारे। शुक्र है नीचे नहीं गए। मेरे को डाउट हो रहा था गाय ने तो नहीं फेंके शायद अपने। हाँ हाँ, नहीं नहीं गाय ने किए हैं। और क्या, ये देखो हमारे डस्टबिन, बेचारी गाय। लोग ना गायों को पालते हैं पहले। ये तो बैल है, ये तो गाय नहीं है, बैल है। फिर भी बैल भी तो खेतों में हल जलोने के काम आता है। ये देखो बेचारी आज से आ रही हमारे पास, की कुछ है तो दे दो, पर हमारे पास कुछ भी नहीं है। सॉरी गौ माता। बैल अनुराग, उठो उठो जल्दी, देखो कैसे सोया है। उठो जल्दी, चलो टेरेस पे चलो फ्रेश होने के लिए, आज धूप भी आ गई है, लेट भी है आज तो, लेट उठा रही हूँ आपको। गेट अप, हरी अप, उठो जल्दी उठो, मैं दूध लेके आती हूँ, और आप चलो तब तक घूमो ऊपर टेरेस पे, हम तो आ गए घूम के। उठो उठो जल्दी। फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं, अपनी चाय ले गए टेरेस पे, और आज हम लेट हैं। अनुराग जी भी उठ चुके हैं, और वेदर, बाहर का व्यू देखो कितना सुंदर है। बारिश के बाद तो साफ साफ हो गया है सारा के सारा, बिल्कुल एंड क्लीन क्लीन, सारी धूल मिट्टी जो भी थी वो सारी धुल चुकी है। वैसे तो रोज़ ही हल्की हल्की बारिश आ रही थी, लेकिन कल की बारिश इतनी ज़्यादा थी ना, उसने तो सब कुछ ही धो डाला। और हस्बैंड कर रहे हैं वहाँ पे थोड़ा सा जो पेड़ से बुरादा गिरा हुआ है उसको इकट्ठा, और हम पियेंगे चाय। अब आ जाओ चाय पीने। हम पियो सर आपकी चाय। रूबी को कुछ नहीं मिलेगा। रूबी घूमो भी आप। कैसी बनी चाय? बढ़िया। आप कभी बढ़िया ही बोल रहे, कभी बुराई तो करते थे। बिना कैमरे के करेंगे पूरा। नमक तो ठीक है, चाय भी ठीक है, हल्की सी थोड़ी चीनी चाहिए थी। थोड़ा नमक कम होता है, थोड़ी चीनी कम होती है, इनको तो थोड़ा भी पता चल जाता है। अभी तो मैंने तंग करना शुरू भी नहीं किया था। अभी अनुराग ने शुरू कर दिया था, मम्मा डिलीट करो, मम्मा डिलीट करो। अब मैं बिल्कुल डिलीट नहीं करूंगी। अब क्या हुआ? कभी एक बना रहा है, कभी दूसरा बना रहा है, अब फिर वही थोड़ा। अब कैसे बचोगे? यू आर अंडर सीसीटीवी कैमरा। तो फ्रेंड्स, अभी हम कर रहे हैं नाश्ता। नाश्ता आज हमारा हो रहा है 9:15 बजे। सवा नौ बजे आज मैं भी सबके साथ ही कर रही हूँ नाश्ता, क्योंकि मैंने पूछा तो करनी नहीं है। नहीं करनी, तुम तो करते नहीं है। मैं तो करता हूँ, पापा नहीं करते। पापा तो करते हैं। मैं तो करता हूँ। कैसे बने? लड्डू तो टेस्टी बने हैं। टेस्टी है? आप बोले बेड़ा कंजूसी से डाला है, दिख तो नहीं रहा। कोनों में थोड़ी होते, बीच में होता है। लास्ट क्या, हम नीचे नीचे वाले खाओ, स्वाद है बने। वैसे भी हाथ के बनाने का अलग अलग तरीका है सबका। टेस्टी है बोल, तुम्हारे हाथ के तो कईयों को पसंद आ गए, बहुत बढ़िया। जब देवेंद्र देखेगा ना ये पोल्डू वाली वीडियो, फिर देवेंद्र बोलेगा पोल्डू खा रहे थे मम्मी, देखा था मैंने, खुशबू आ गई मेरे को मुंह में, नाक में खुशबू आ गई। उसके मुंह में पानी नहीं आता, उसके नाक में खुशबू आती है। तो फ्रेंड्स, अभी सारे काम निपटा के मैं खा रही हूँ अब ये क्या बोलती है इसको, तरबूज, वाटरमेलन। सुबह से लगी हूँ अभी तक, इतने काम कर दिए मैंने, कपड़े धोए, साफ सफाई, पोछा लगाया, गली में लगाया, नीचे तक लगाया, नीचे भी बारिश से पूरा कीचड़ कीचड़ हुआ था। ये ऐसे नहीं कि फ़ोन लेके आ जाएं, थोड़ी वीडियो ही बना लें, लोगों को दिखना नहीं चाहिए ना कि मैं काम कर रही हूँ। फ्रेंड्स,
सारे काम निपटाने के बाद अब मैं रेडी हो गई हूँ जाने के लिए भंडारा खाने। आज हमारे रामपुर में है भंडारा, कल रात को था जागरण हनुमान मंदिर में, आज है भंडारा। ये बोल रहे हैं भंडारा खाने जाना, मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ काम करके, लेकिन मैंने सोचा कि चलो भंडारा प्रसाद खाने चले ही जाते हैं। अब क्या हुआ, अब क्यों किया फोन? फोन तो करा पिछले संडे वाले दिन की तरह ना हो जाए। गिल्ले है ये वाले जूते, तो सूखे नहीं है। पिछले संडे भी गड़बड़ हो गया था ना, फोन नहीं किया मैंने। हाँ मैं इनको सुबह से बोल रही हूँ भंडारा है भी, पहले पता तो करो जरा। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे पहुँच गए हैं महावीर मंदिर में, जो कि मार्केट के बीचों बीच में है, और काफ़ी देर भीड़ में खड़े रहने के बाद हमारा नंबर आ ही गया और यहाँ पे हो चुका है भंडारा शुरू। मतलब पहले से ही शुरू हो गया था, हमें भी काफ़ी देर खड़े रहना पड़ा, भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी और चारों ओर से मार्केट को बंद किया गया था और एक दो रास्ते रखे गए थे आने जाने के लिए। और ये देखो कितने सारे लोग हैं मार्केट के बीचों बीच, मज़ा आ रहा है भंडारा खाने में। काफ़ी आनंद से हमने पूरा भंडारा खाया। नमस्ते भैया। फाइनली हम भंडारा खा के निकल गए। अब खा लिया, भूख तो नहीं थी पर खा लिया मैंने खूब सारा। अब चलना पड़ेगा, मेरे पेट में जगह नहीं है बोला, सच में जगह नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा और दे दो। अब भंडारा है भाई, प्रसाद खाया और कैसे, तो अच्छा लगा तो खा लिया, टेस्टी लगा, पेट भी मांगता है ना, फिर टेस्टी होता है भंडारा, तो टेस्टी जगह खुल जाती है, जगह अपने आप बन जाती है, फिर सच में ना मजा आ गया, मजा आ गया खा के। वो आज देखो मार्केट कैसी है बंद, बिल्कुल सारी शॉप्स बंद बंद है। अभी हम पुल पे खड़े हैं और ये देखो ये डॉगी ना रात को हमको परेशान करता है, सोने नहीं देता, आ जाता है रात को। तो फ्रेंड्स भंडारा खाने के बाद हस्बैंड तो चले गए घर और मैं आ गई थी यहीं पड़ोस में। आज रखी गई थी महिलाओं की मीटिंग जो कि भागवत कथा को लेकर है। हमारे पड़ोस में भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा अगस्त के महीने में, तो उसी के लिए अभी से थोड़ी बहुत तैयारियां शुरू करनी है। सर्वसम्मति से कुछ कार्यक्रम कैसे कैसे निपटाया जाए इस सबके विषय में कुछ चर्चा करनी थी, उसी के लिए हम सब लोग यहाँ पर आए थे। तो यहाँ पर सारी चीज़ों के बारे में विचार विमर्श किया गया कि किस तरह से क्या क्या हमें करना है, क्योंकि बहुत बड़ा ये कार्यक्रम होने वाला है। तो सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ कि हमारे आस पड़ोस में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और उसके बाद सब लोगों को प्रसाद वगैरह बांटा गया, थोड़ा बहुत कीर्तन किया हमने और फिर प्रसाद वगैरह लेकर हम लोग आ गए अपने अपने घर। ये हमारे प्रधान जी, मुबारक हो आपको, बहुत बहुत तो फ्रेंड मीटिंग से आने के बाद हमने खाया पिया खाना, काफ़ी देर तक खूब गप्पे शप्पे मारे आज टेरिस पे बैठ के। बहुत दिनों से हम टेरिस पे गए नहीं थे शाम के टाइम, तो शाम के टाइम टेरिस पे जाके खूब सारी गप्पे शप्पे मारी और उसके बाद अब आ गए हैं। खाना पीना खा लिया, मैंने तो आज खाना ही नहीं खाया क्योंकि मैं भंडारा खा के आई थी, उसके बाद मैंने मीटिंग के बाद पकौड़े खा लिए थे वहाँ पर और हैवी था पेट हुआ हुआ बिल्कुल, तो मैंने बस खीरे खाए हैं शाम को डिनर में और अब सोने की तैयारी हो रही है। ये हमारे अनुराग जी सोने की तैयारी में है और बस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। होप करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा हमारा ब्लॉग, तो मिलते हैं कल और एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।